हेलीकॉप्टर घोटाले की गूंज आज भी संसद के उच्च सदन में खूब सुनाई दी। टीएमसी सदस्य रक्षा मंत्री के जवाब की मांग करते हुए वेल में उतर आए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। आखिर कौन है सिग्नोरा गांधी और कौन है एपी, इन सवालों को लेकर सोमवार को भी राज्यसभा में संग्राम जारी रहा। तृणमूल कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर सौदे का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घिरने की कोशिश की। रक्षा मंत्री से पूछा कि दलाली का पैसा किसने खाया। सवालों का जवाब मांगते हुए टीएमसी सांसद वेल में उतर आए और हंगामा करने लगे, जिसको देखते हुए सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। दोबारा सदन शुरू होने पर भी हंगामा नहीं रुका। सभापति समझाते रहे लेकिन टीएमसी सांसद सुखेंदु राय नहीं माने। आलम यह रहा कि सभापति ने नियम 255 के तहत राय को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज भी संसद में इस मुद्दे पर हंगामा हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहीं आज इस मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। इटली कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सोमवार को सीबीआई ने एसपी त्यागी से पूछताछ की। बताया जाता है कि इस दौरान सीबीआई ने उनसे 1,00,000 यूरो रिश्वत लेने के संबंध में पूछताछ की। साथ ही 2005 और 2006 में डील को लेकर बिचौलियों हस्का और कार्लो से मुलाकात को लेकर भी सवाल किए। आपको बता दें, एसपी त्यागी ने वायुसेना अध्यक्ष रहते हुए हेलीकॉप्टर के मापदंड परिवर्तित किए थे, जिसके बाद अगस्ता वेस्टर्न हेलीकॉप्टर टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो पाया था। त्यागी ने हेलीकॉप्टर की उड़ान सीलिंग 6,000 मीटर से घटाकर 4,500 मीटर कर दी थी। इस सौदे के लिए कंपनी फिन मैकेनिका और अगस्ता वेस्टलैंड ने बिचौलियों के जरिए त्यागी से बात की थी। त्यागी ने भी 2013 में हुई पूछताछ में माना कि वो दिल्ली स्थित एक फार्म हाउस में अगस्ता वेस्टलैंड के बिचौलियों से मिले थे। हालांकि त्यागी ने रिश्वत लेने की बात से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले पर 4 मई को रक्षा मंत्री सदन में जवाब देंगे। ऐसे में सीबीआई अपनी तैयारी पूरी रखना चाहती है। वहीं ईडी ने भी 5 मई को त्यागी को तलब किया है। त्यागी भले ही खुद को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते। शुरू से ही त्यागी का नाम इस केस में संदिग्ध रहा है और इटली की कोर्ट ने भी अपने रिपोर्ट के 17 पेजों में त्यागी के रोल के बारे में लिखा है। और ऐसे में अगर आरोप सही साबित होते हैं तो त्यागी की मुश्किलें बढ़ना तय है। देखते रहिए जीबी लाइव।